भारत के इस आदमी को दुबई में लोग 1% आदमी के रूप में जानते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी 1% की मदद से आज दुबई में लाखों लोगों को घर मिला है। मुंबई की झोपड़ियों से निकलकर अरबपति बनने तक का सफर, ये है उनकी अविश्वसनीय कहानी। और भी ऐसे इंस्पिरेशनल लोगों के कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे लाइक का बटन दबा दे। इस आदमी का नाम रजौन साजन है और वह डैनियल समूह का संस्थापक है, और आज हम इनकी इनक्रेडिबल स्टोरी को जानने वाले हैं। रिजवान का जन्म और पालन पोषण मुंबई की झोपड़ियों में हुआ था। उनके परिवार के पास कोई घर नहीं था, वे सभी एक झोपड़ियों में रहते थे। यहाँ तक कि रहने के लिए उनके पास कोई निजी जगह भी नहीं थी। एक शौचालय दूसरों के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल था, जो आसानी से उपलब्ध भी नहीं था, क्योंकि एक शौचालय में 30 से 40 लोग जाते थे। एक दिन उसके पिताजी ने लॉटरी में सरकारी घर जीता और उन्हें बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे घर खरीदने का मौका मिला। वे यहाँ से यहाँ एक निजी घर में निजी शौचालय और एक छत के साथ रहने लगे, और इससे उनका जीवन बदल गया। उस पल उन्हें घर के मूल्य का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया कि वो हर किसी के लिए एक घर बनाएंगे जिसे वो काफी कम दामों में ले सके। वह इमिरेट्स में आ गए। उस समय 1998 में दुबई अपनी शुरुआती दौर में था, जहां बहुत कम बिल्डिंग्स थीं और लोगों को घर की बेहद जरूरत होती थी, और वहां घर इतने महंगे थे कि मिडिल क्लास लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसलिए वह एक विचार लेकर दुबई आए, जो कि बहुत सिंपल है। आप बहुत छोटे अमाउंट देकर घर में रह सकते हैं और बाकी का पैसा आप हर महीने 1% की भुगतान करके देंगे। दैट्स ऑल। और इस सिंपल 1% विचार ने उन्हें आज बिलियनेयर बना दिया। जब उन्होंने इसकी शुरुआत की तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह काम करेगा, लेकिन उन्होंने किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया। वो काम पर जा रहे थे, उनके मन में एक योजना थी कि वह क्या करने जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि यह आइडिया बहुत बकवास है, लेकिन बिजनेस वास्तव में काम कर गया। हजारों वर्किंग क्लास लोगों ने उनके घर खरीदने शुरू कर दिए और उन्हें हर महीने सिर्फ 1% का भुगतान करना होगा। उसने एक के बाद एक घर बनाना शुरू कर दिया। उसने इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग और यहाँ तक कि इस बिल्डिंग को भी बनवाया, और आज वह बहुत खुश महसूस करते हैं क्योंकि जिन लोगों को उसने घर दिया उनमें से अधिकांश लोग वास्तव में इस घर का निर्माण नहीं कर सकते थे अगर वो इस 1% योजना के साथ नहीं आए होते। जो आदमी मुंबई की झोपड़ियों में रहता था, उसने दुबई में 15,000 घर बनाए और देश के सबसे सफल लोगों में से एक बन गया। शायद यह किस्मत है या उनकी मेहनत है, शायद यह दोनों है। जब लोग उसे ना कहते हैं तो वह उनकी बात नहीं सुनते, वह केवल अपने इरादे, अपने दिल की बात सुनते हैं। उनका दिल कहता है गो फॉर इट, देन ही गोज फॉर इट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों की बात न सुने जो ना कहते हैं। मुंबई की मलिन बस्तियों से अरबपति बनना संभव है,